उत्तराखंड उधम सिंह नगर में एसटीएफ एवं आबकारी विभाग को मिली बहुत बड़ी कामयाबी। अवैध शराब का जखीरा पकड़ा। पिछले कई दिन से लगातार आबकारी विभाग पूरे जिले में ताबड़तोड़ छापामारी कर रहा है। रुद्रपुर के छतरपुर के पास सेठ द्वारका एनक्लेव फेज 1 के एक घर में आबकारी विभाग एसटीएफ एवं एसओजी ने छापेमारी कर दर्जनों पेटी गुलाब ब्रांड की नकली शराब की भारी मात्रा में शराब व शराब बनाने वाले उपकरण व केमिकल बरामद किए। मुखबिर की सूचना पर संयुक्त कार्यवाही द्वारका एनक्लेव के फेज 1 के एक घर में की गई। मौके पर आबकारी विभाग के सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह बिष्ट की टीम मौजूद रही। विशाल मंडल करके व्यक्ति है जो पहले भी अवैध शराब में पकड़ा गया हमारे द्वारा, जो शराब का निर्माण करता है। इसकी गतिविधियों की जानकारी हमको मिली कि भोरा रानी क्षेत्र में सक्रिय है, तो इस पर हमने इसका पीछा किया और यहाँ पर जैसे ही हम लोग इस कॉलोनी की तरफ आए तो ये हमको पहचान के और अपनी गाड़ी लेकर भाग गया। जिस घर से निकला था उस घर की हमने तलाशी ली, ताला तोड़ दी, तो हमें ये अवैध शराब की फैक्ट्री मिली। तो कितनी यहाँ पर शराब बरामद हुई? यहाँ पर 20-25 पेटी अभी तक गिनती में आई है और गिनती इसमें चल रही है। होलोग्राम रैपर वगैरह सब कुछ मिला हमें, जो नकली शराब बनाने के उपकरण होते हैं सब कुछ मिला हमको। अब इनकी हम तफ्तीश कर रहे हैं और आगे इस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।